अवैध शराब का परिवहन करते हुए एक बुलेरो कार को पकड़ा है। पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। छतरपुर की तहसील राजनगर के थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बुलेरो कार में अवैध शराब भरकर ले जाई जा रही है, जिसके बाद राजनगर पुलिस ने तुरंत ही ग्राम खजुआ पहुंचकर बुलेरो कार को पकड़ लिया। पुलिस ने 13 पेटी देशी शराब व 4 पेटी विदेशी शराब के साथ चालक सुमित सेन व हर्ष सोम नाम के एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 46,500 रुपए बताई गई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। डिगोनी तरफ से एक बुलेरो गाड़ी में अवैध रूप से शराब होने की सूचना प्राप्त होने पर मैं और मेरे फोर्स लेकर पहुंचा तो खजुआ के पास एक बुलेरो गाड़ी रोक कर चेक किया, जिसमें 13 पेटी देसी शराब और 4 पेटी अंग्रेजी शराब की मिली। शराब उनको कहे मौके पर जब्त की गई और मौके पर गिरफ्तार कर थाने लाए। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए छतरपुर से शुभम सोनी की रिपोर्ट।